बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और आपके माध्यम से देश में जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन की। धन्यवाद। बहुत साधारण सा दिन है, जैसा कि आपको मालूम है कि आज करवा चौथ भी है और घर में जितनी महिलाएं हैं वो सब व्रत में हैं और व्रत तोड़ेंगी चांद देखने के बाद। तो हमने कुछ खास रखा नहीं है, परिवार के साथ ही अगर आज का दिन बीत जाए बस यही मेरी कामना है। घर के लोगों ने कल रात को भोजन पे अपनी तरफ से स्नेह प्यार जताया, लेकिन जो सबसे अहम तोहफा है वो है आराध्या। वो अभी सो के उठी नहीं है, अभी उनसे जा कर के मिलूँगा क्योंकि मैं पहले ही घर से निकल आया, उनसे मिलूँगा और देखूँगा कि वो क्या देती हैं, फिर आपको बताऊँगा। कोई हमने लक्ष्य कभी बनाया नहीं था अपने जीवन में, और ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है वो मैं अपने आप को काफ़ी संपन्न मानता हूँ। जन्मदिन जो होता है वो एक बहुत ही अद्भुत दिन होता है, एक आशा बनी रहती है कि लोग आएंगे, उपहार देंगे। बहुत छोटे थे तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, केवल ये कहा गया था कि जन्मदिन पे जो है उपहार मिलते हैं और जितने भी आपके मित्रगण आएंगे वो आपको कोई ना कोई उपहार देंगे। तो जब बहुत छोटे थे तो घर में जब माता जी और बाबूजी जैसे कि बर्थडे के लिए कोई एक पार्टी रखते थे और हमारे मित्रों को बुलाते थे तो हम पहले से ही उनके पास चले जाते थे और हमसे पूछते थे क्या लाए हो भैया हमारे लिए, जल्दी दो। तो इस तरह की एक बचपना होता था, लेकिन अब वो अब समा बदल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और आपके माध्यम के द्वारा देश के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो शुभकामनाएं भेजी हैं मुझे, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहता है तो हमारा जीवन और सुखद हो जाता है। 45 वर्षों से आपने हमारा साथ दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के अवसर पर मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाह रहा था, और वो ये कि हमारे एक बाबूजी के नाम पर एक ट्रस्ट है, हरिवंश राय बच्चन ट्रस्ट, उसमें हम जितनी भी धनराशि इकट्ठा करते हैं वो किसी चैरिटेबल कॉज के लिए दी जाती है। आज हमारे साथ ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष यहाँ पर हैं। ऊर्जा फाउंडेशन जो है वो गांव-गांव बिजली पहुँचाने का काम करता है, तो आज के दिन हम एक उद्घाटन के रूप में तकरीबन 3000 घरों में, जो कि देश भर में छोटे छोटे जगह पर जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, उसका आज एक घोषणा कर रहे हैं, और नवंबर से ये काम जो है ये शुरू हो जाएगा। सोलर एनर्जी के द्वारा ऊर्जा फाउंडेशन जो है वो हमारे साथ मिल करके 3000 घरों में देश भर में ये सोलर एनर्जी द्वारा जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती है उसका आज हम उद्घाटन करें। प्रतिदिन तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ न कुछ हमारे सामने कोई चुनौती आए जिसके साथ मैं जूझ सकूँ, और जब तक शरीर में सांस चल रही है तब तक मैं प्रयत्न करूँगा कि काम करता रहूँ। उनकी माँ ने उनको सिखाया हुआ है गाना हैप्पी बर्थडे का, तो वो गा रही थी मेरे लिए, उन्होंने समझा कि उनका जन्मदिन है तो अपने ही नाम से गा रही थी। स्त्रियों के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो कई बार मैं सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं, मैंने हमेशा ऐसा माना है कि स्त्री जो है वो देश की आदि शक्ति होती हैं, उनका सम्मान उनका आदर होना चाहिए, और अपने छोटे से दायरे में हम किस तरह उनको और प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनको उनका दर्जा जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, उस काम में हम लोग हमेशा लगे। हमारा स्वस्थ रहे, ठीक रहे, हमारे जितने चाहने वाले हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं हमेशा देता रहूं, बस यही आशा है। बिग बी सारी दुनिया जाने, बिग बी सारी दुनिया माने, बिग बी बिग बी साथ हिंदुस्तानी से खोला अपना खाता, हर जनरेशन को है ये भाता। बिग बी सारी दुनिया जाने, बिग बी सारी दुनिया माने, बिग बी बिग बी गंगा किनारे से आया एक छोरा, बन गया बॉलीवुड का सुपरस्टार। बिग बी सारी दुनिया जाने, बिग बी सारी दुनिया माने, बिग बी बिग बी पहना दीजिए सर से पाँव तक मुझे जंजीर, जल साहब
आपने जेल की सलाखें और दीवारें देखी होगी, कालिया का हिम्मत का फौलाद नहीं देखा होगा। कालिया हर दीवार पान के दिखा सकते जेल साहब, कालिया हर जंजीर तोड़ कर दिखा सकते। मैं सर के लिए यही बोलना चाहूँगा कि मैं सुबह 5 बजे से आया हूँ यहाँ से, हमें मालूम है कि सर आप यहाँ पे नहीं हो, लेकिन क्या होते हैं मंदिर में, भगवान हो या ना हो, भक्त तो उनको भक्त को आना ही पड़ता है। जन्मदिन का बधाई हो सर। ये साल उनकी इतने सारे मूवी आए तो उनमें से कौन सी पसंद है आपको? सर की हर एक मूवी मेरे को पसंद है, हर एक मूवी। सर को कहना चाहता हूँ सर का उम्र, हमारा उम्र भी सर को लग जाए। ओके, अभी मैं आपके सामने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के 111 फिल्मों के नाम बताऊंगा। हम लोग अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में देखते हैं, लेकिन कितनी देखेंगे? आज देखते तो कल भूल ही जाते। आखिर में इतने बड़े महान कलाकार, सुपरस्टार नंबर वन मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे 7 हिंदुस्तानी, उनमें से एक शराबी जिसका नाम था आनंद, अपनी शान में बॉम्बे गोवा जाके डॉन बन गया, उसके रास्ते का काला पत्थर, कभी कभी उसके बेशरम दिल में मिली की कसमें वादे की तरह अभिमान पैदा करके उसे वो परवाना बनने पर मजबूर कर देता था, लेकिन हालात की जंजीर में जकड़ा हुआ एक और अकेला करता ही क्या, कभी वो कुली तो कभी कभी कालिया बन जाता। जब वो मुंबई नगरी में आया तभी उसे एक यार मिल गया और फिर उन दोनों का याराना बढ़ता ही चला गया। फिर उन दोनों ने हेरा फेरी का धंधा करते करते सत्ते पे सत्ता मार कर एक दिन वो नास्तिक बन गया। एक नास्तिक पर महान ने त्रिशूल फेंक कर गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अंधा कानून और अदालत उस मिस्टर नटवर लाल का कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि एक दिन उस देश प्रेमी मर्द में शक्ति जाग उठी। बरसात की एक रात में उसके लावारिस दिल में शोले भड़क उठे, यहाँ तक कि समय की गंगा जमुना सरस्वती पार करके एक दिन वो शहंशाह बन गया। लेकिन फिर भी यारो, उसके दिल का तूफान कम तो ना हो सका, वो हर दिल पर अजूबा बनकर छाता ही चला गया। यहाँ तक कि उसका आखिरी रास्ता अग्निपथ था, जिसके सामने कोई भी दीवार टिक न सकी, लेकिन उसके नसीब में था क्या, जो आज वो मुकद्दर का सिकंदर जो बन बैठा है। इंद्रजीत, अमर, अकबर, एंथोनी खाली हाथ मरते रह गए, इस बात को तो सिर्फ खुदा गवाह है, और गवाह है हम सबकी इंसानियत, जिसकी खातिर हमने आंखें और कांटे जैसी फिल्म भी नहीं छोड़ी है। कौन जीता कौन हारा, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने नमक हराम में कम और नमक हलाल में गहरी चाल चल कर गहरा रंग दिखाया अपने सुहाग के खातिर। मेजर साहब लाल बादशाह को लेकर मुर्तजा दादा के पास जा रहे थे, लेकिन लगता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ बचाई लेंगे उस खुददार जादूगर को, अपना खून पसीना बहाकर परवरिश कर रहे हम सब सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आज का अर्जुन चुपके चुपके मैं आजाद हूँ का जुर्माना भरता हुआ उस सौदागर का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि वो द ग्रेट गैम्बलर न बन सका। कभी फिर उस फरार ने दौड़ दो पांच मिलाकर गंगा की सौगंध उठाकर पुकार लगाई इनकलाब जिंदाबाद, कभी हमारे जमीन से आवाज आई अमिताभ बच्चन जिंदाबाद जयराम बलराम। लगता है नॉन स्टॉप अमिताभ बच्चन की कसौटी के ऊपर मैं खरा उतरा हूँ। सूर्यवंशम हिंदुस्तान की कसम खाकर कहता हूँ कोहराम मचा दूंगा रेशमा और शेरा के बारे में। ईमान धर्म से मंजिल है मेरी बेमिसाल, दो अनजाने कमाने जा रहे रोटी कपड़ा और मकान, ये आप लोग की मोहब्बतें हैं जो कौन बनेगा करोड़पति की चेले की। इतनी सारी बातें आपने शांतिपूर्वक सुनी, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद। इतना सब सुनने के बाद आपका और हमारा एक रिश्ता दोस्ती का बन जाता है, जिसका अक्स मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कहीं ना कहीं और छोड़ देता हूँ। चाहे कभी खुशी हो या कभी गम, हम किसी से कम नहीं। बड़ा अरमान था कि ये दम उसके कदमों में निकले, बेवफा हो तो नहीं है लेकिन बदनसीब हम निकले। घूम और बागबान का क्या कहना, कभी भी जिंदगी में खाकी वर्दी पहनने वाले पर एतबार करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो है आगे, चाहे जिसने लगाई ये सरकार हो या सरकार राज। अमिताभ बच्चन एक ऐसे फिल्म एक्टर है जिन्होंने सारी फिल्म इंडस्ट्रीज को निशब्द कर दिया है। फिर क्या फर्क पड़ता चीनी कम हो या चीनी ज्यादा, पा ने कहा अला दिन से कभी अलविदा ना कहना, आरक्षण मिला तो क्या हो गया बुड्ढा हो गया तेरा बाप। आई बोलो बोल बच्चन अमिताभ बच्चन की जय, सत्याग्रह करूंगा या तो फिर युद्ध अगर मुझे पीपू नहीं मिला तो, क्योंकि बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहा तुम कहा ऐसा वजीर ने कहा, कौन है अमिताभ शमिताभ कहीं वो पिंक तो नहीं। और आज उनके बर्थडे तो उनके क्या करते जाएंगे? आज बर्थडे उनका तो हम चाहते है कि उनकी लंबी उम्र हो, जिंदगी में हर एक इंसान 100 साल का ही जीता है, लेकिन वो हमारे लिए भगवान है, वो हजारों साल जिए, हमारी उम्र भी उनको लग जाए, तो जब तक जिंदा है तब तक हम है, वो रहेंगे तब तक ही हमारा वजूद है, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं है।